जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा दोस्तों। दोस्तों अभी मार्केट से आया, कुछ देर पहले आया हूँ, अभी तकरीबन बज रहा भाई 10:05, अभी अभी पहुंचा ही हूँ। ठीक है, किसी काम से गया था यार दोस्त, लेकिन गया था वो सेक्टर 19 के आसपास भी, जो मतलब कुछ डॉगे वगैरह रहते हैं ना, वहाँ के भी जरा सा दूध वगैरह उनको भी देना पड़ता है। और कुछ अपने इलाके में है यार, पालम की घटना बता रहा हूँ भाई मेरे। देखो जो गलत है तो गलत था, सच तो सच है यार। ठीक है, मैं गलत को गलत सही को सही कहता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों रिश्ते कम रखता हूँ, हमेशा याद रखना। वीडियो तो वहीं पर ही बना दिया था, खतरनाक, लेकिन क्या करूँ, लेकिन कुछ लफ्जों का इस्तेमाल जो है खतरनाक हो गया है। ठीक है, शब्द फिसल गए गुस्से के मारे, क्योंकि दोस्तों डॉगे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमारा पेटों से, चाहे वो हमारा पेट हो, गरीब इंसान हो, कोई भी हो, जमीन से जुड़ी जो भी जिंदी चीज है ना, जिसको तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, और जो अपनी औकात के साथ हम कर सकते हैं तो मैं करता हूँ। और डंकी की चोट में, और जो देख मेरा वीडियो देख रहा है, और जो मेरे को जो मुझे नापसंद भी करते ना, उनको भी मैं कान खोल के बता देना चाहता हूँ कि मैं डंकी की चोट पर करता हूँ। और दोस्तों जो ये बेमतलब के कमेंट और फालतू बात करता है, मैं सीधे उसको ब्लॉक करता हूँ। ये बात कान करके सुनो, जो जो अगर कमेंट करना है तो मत करो मेरे भाई। अगर तुम ये सोचते हो कि यार ये तुम क्या करते हो सर, ये करते हो आप, कौन सा क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो वाले जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं दोस्तों, ये सब ये इसलिए बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव कमेंट, जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं, उनको लिए भी मेरा मैसेज ये जाए दोस्तों, मैं उस बंदे को डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि कचरा पहले ही आउट कर देने में बेहतर रहता है दोस्तों। कचरा निकल जाएगा ना तो अच्छा रहता है, चाहे वो नदी का कचरा हो, कहीं का भी कचरा हो, चाहे समाज का कचरा हो, उस कचरे को अलग कर देना। ठीक है, जो नेगेटिव थॉट वाले आदमी होते हैं, जो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, जो इंसानियत नाम की जिनमें चीज़ नहीं होती है, सिर्फ मजे लेने के लिए फेसबुक के अंदर अपना टाइम पास करने के लिए 250 रुपये का प्लान डाल लेते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, ना इनका कोई लेना है ना देना है इससे, समाज सेवा, समाज से लेन देन से कोई मतलब नहीं है इनको, और ये ना कुछ जानते हैं दोस्तों। और ये काम तो अपना जलवे के साथ मरते दम तक चढ़ते रहेगा दोस्तों। अब मजे की बात ये हुई, वहाँ का मैंने वीडियो बनाया, लेकिन ज़रा खतरनाक मतलब जो है उसमें जो है गुस्सा कुछ ज़्यादा आ गया था, तो वाली बात है, तो दिक्कत ये हो गई थी, और क्या नाम कहते हैं, तो उस भाई वो वीडियो को मैं डाल नहीं रहा हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ अभी कमरे में आके बड़ा मूड खराब हुआ है, पूरे डॉगी इकट्ठे हो गए, अगर आप देखते वो वीडियो मैं दिखाता, लेकिन जरा मेरे को गुस्सा उसमें ज़्यादा था तो वीडियो में, तो इसलिए मैं वीडियो को डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो सब डॉगी वहाँ पे आ गए यार, देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना मॉइस्चर इतना वो हो रखा है कि गर्मी में डॉगी पानी पीना चाहता है दोस्तों। ठीक है, उनको पता है कि यार यहाँ पे पानी मिलता है और दूध मिलता है और बिस्कुट मिलता है, तो वहाँ पे वो आते हैं और अपना चक्कर मार के, जिसकी किस्मत वो खाएगा और पिएगा यार मेरे भाई, हैं, जिसकी किस्मत वो खाएगा वो पिएगा, इसमें नाम थोड़ी लिखा मतलब ये डॉगी खाएगा कोई खाएगा, जो भी आएगा जिसकी किस्मत जब तक होगा वो खाएगा यार। ठीक है, 1000 डॉग मतलब जो भी है 1000 डॉग के तो हम नहीं कर सकते ना, अपनी हंसी अपने औकात के साथ जितना दूध डालेंगे, जो पिएगा उसकी किस्मत है मेरे भाई। ठीक है, बाप मैं मेरा काम है उसमें डाल देना, लेकिन बड़ी दुखद घटना है यार दोस्तों। मैं जैसे मैं आया दूध लेके आया हूँ, पहले दुकान से दूध लेके आया, तो दुकान से दूध लेने लगा, मैंने कहा कि 2 पैकेट दूध और 3-4 बिस्कुट के पैकेट लेते, तो बोला सर आप कहाँ दूध किसके लिए आ रहे हो अभी, है दूध तो घर में जा चुका है। तो मैंने कहा यार तुझे पता तो है, कह रहा सर वो तो तोड़ दिया है 12 बजे, और किस्मत से है कि जाते वक्त मुझे नजर नहीं आए बाउल, क्योंकि मैं कहीं काम से जा रहा था तो मुझे पता नहीं चल पाया, तो बॉल गया दोस्तों, दोनों बाउल जाना, एक पीने पीने वाला एक दूध वाला बॉल गया, दोनों को तोड़ के फेंका हुआ है। और जबकि मैंने परसों वीडियो में डाला था, मैंने एक पर्ची लिखी थी, अगर डॉग को आप कुछ दे नहीं सकते हो, अगर उसको कुछ खिला पिला नहीं सकते, कम से कम प्लीज दुत्कारे तो मैं दुत्कारो तो मत। ठीक है, अगर ये आपके घर के मतलब ये आप इसके मालिक नहीं है तो ये आपके नौकर भी नहीं है, मैंने पहले ही वीडियो डाला था। इंसान को संसार घटने वाली घटना है यार, एक मेनका गांधी जी है जो इतना बड़ा शानदार और जानदार काम कर रही है, पैदा करने के अंदर पूरी दुनिया में संघर्ष चला हुआ, जानवरों को बचाओ, जानवरों का कहते हैं मीट से मतलब जानवरों को बचाओ, है मीट पाल रोको, है और ये फिर ये पैड इनका क्या दोष है यार, ऐसे ऐसे घंटे इतने अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे ऐसे लोगों को बचा रहे हैं, डॉगियों को बचा रहे हैं, शानदार जानदार काम कर रहे हैं, और ये हराम खोर कमीने के बच्चे कुत्ते और ये ऐसा काम करते हैं यार, दोनों बॉल तो उठे यार, उसे बड़ा दुख हुआ। तो उसके बाद मैं अपने 2 बॉल ले गया था दोस्तों, मैं दिखाता हूँ अभी इसमें क्या है दोस्तों, फिर मैं ये लिख के ले गया, ये इसमें लिख गया, इसको लिख के ले, ये घर का बॉल ये लेके गया, पतीला जिसमें लिखा है कृपया डॉगी का पतीला है कृपया उठाए ना, मतलब ये है करके कोई उठाना ले जाए, कपाड़े बेचारे भी उठा ले जाते हैं, उनके लिए था ये। और बाकी ये 2 पैकेट दूध में डाल के आ गया, जो भी रैपर है डस्टबिन को देखो, देश को कूड़ा थोड़ी बनाना है, कि अगर कुछ को देते, जैसे मैं देखता हूँ बहुत इलाकों में क्या है, गाय को रोटियां डालते हैं और वो पॉलीथिन वहीं फेंक जाते हैं, मतलब पुण्य की जगह और पाप मोल लेके जाते हैं दोस्तों। जो भी सामान आप किसी को देते हो या लेते हो तो उसको अपने वापस अपने घर लेके आ जाओ, ठीक है, उसको वापस अपने घर लाओ यार, वहाँ पर डस्टबिन डालो ताकि ये जगह डिस्पोज होगा मेरे भाई। तो तोड़ दिया भाई किसी ने, और ये पेडिग्री, ये डॉगी पेडी है मेरे, डॉगी की पेडिग्री है ये, ठीक है, ये मेरे डॉगी की पेडिग्री है, ये भी मैं डालता हूँ मेरे भाई, ये
उसमें से ये डालता हूँ, सेंटर 19 तक जाता हूँ यार, जो जो खास है उनको जितना हो अपने हिसाब से करता हूँ, कोशिश करता हूँ यार मेरे भाई। मैंने किसी से कोई मतलब किसी से बोल रहा हूँ, किसी ना मांग रहा हूँ, सिर्फ वीडियो में डालने का मकसद मेरा ये होता है कि दोस्तों इस मैसेज तक आगे जाए तो लोग भी अपने अपने इलाके, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में यार कम से कम इतना पुण्य का काम तो कर ले कि दो चार डॉगी उनमें से एक आध को तो पाल लें, पालने का मतलब गोद ले लें और उसके नाम का दूध रख दें, वो ना पाए तो दूसरा डॉगी पिएगा, कम से कम इंसान तो जिंदा रहेगी यार दोस्तों, ठीक है। इंसान भी जल्दी मरना नहीं है मेरे भाई, ये गलत बात है। बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा यार, गुस्सा आया तो कुछ शब्द ऐसे भी निकल गए थे, फिर मैंने वो वीडियो अभी मैं नहीं डाला गुस्से के मारने, लेकिन उसके वजह से अपने मुँह गंदा किसने करना यार मेरे भाई, ठीक है। गुस्सा तो आता है, ठीक है, तो ये गलत है यार दोस्तों। लेकिन इंसान के बाद जैसे वहाँ मेरा बहस चल रही थी, उतने में तीन चार लेडीज आ गई और कुछ लोग, काफ़ी लोग आ गए थे, उन्होंने बोला सर ये बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, ये तो हमेशा दूध डालते, कौन डालता है दूध, लोग तो पानी देने को तैयार नहीं है और ये दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, बीच में जब भी समय मिलता है, भले जब भी समय मिला तो ये पक्का इनको अटेंड करते हैं, बर्तन को जाके धोके साफ करके यहाँ पर रखते हैं और बॉल को थोड़ा गलत उड़ा है, तो 90% ये हुआ कि लोग देखते हैं कि हाँ यार ये करते हैं करके, ठीक है। मुझे उनसे मतलब नहीं कि वो मैं उनको उनकी परसी वाले थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मैं काम करता हूँ, गया दूध दिया और डाला, वो तो वो दूध वाला बोला सर देखो, वो खुद बुरा मान रहा था, कह रहा सर पहले आपका स्टील का पतीला किसी ने उठा लिया था, चलो स्टील का पतीला तो कोई कवर ले जा सकता है, क्वालिटी में गरीब इंसान है, चलो ले गया, चलो स्टील का था इसलिए मिट्टी के बाउल रखे ताकि पानी ठंडा हो और दूध भी फसला ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पी लें, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि यार वो लेके चला गया, ये देखो दो पैकेट दूध अभी डाल के आया हूँ ये, और ये दूध इसमें अभी ये डॉगियों ने पी लिया, अब उन्हीं का हो गया यार स्टील का पतीला भी, उन्होंने पी लिया, कोई बात धो के हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी बीच बीच में इसको भी देने की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी देंगे, अभी मतलब उसी के नाम का हो गया, और एक एक पतीला और है जो मैं जिसमें पानी दे के आया हूँ, क्योंकि धो के तो तोड़ दिया है, तो एक पतीले में पानी रख के आया हूँ और एक को ये करके आया हूँ, ठीक है। और दूसरा एक पेडिग्री देते हैं, वो देते हैं ये पेडिग्री बिस्कुट देते हैं, पेडिग्री वगैरह ये देते हैं यार, क्या करें बताओ। लेकिन इंसान जिंदा होती है दोस्तों, पहली बार एक बच्चे ने जिसकी उम्र 17-18 साल है, ये देखो अभी मैंने गिने नहीं है भाई, ये गिने नहीं है पैसे मैंने, अभी ये मैंने गिने नहीं है भाई, ये पैसे गिने नहीं है और आपके सामने मैं गिनता हूँ ये पैसे कितने हैं। एक बच्चा 18 साल का, 19 साल का एक लड़का एक घटना देख रहा था और उसके बाद वो मेरे पास आके बोला सर मैं आपके तहे दिल से नमन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ सर, प्लीज़ आप एक अच्छे मैसेज है और मेरे में भी यही चीज़ है और मैं भी यही चीज़ करते रहता हूँ सर, प्लीज़ मेहरबानी, आपने बहुत ही अच्छा और शानदार काम कर रहे हैं और मैं कब से आपको वॉच कर रहा था और प्लीज़ मेरी तरफ से कल मैं जा रहा हूँ कहीं लंबा जा रहा हूँ तो इसलिए जो मैं यहाँ नहीं मिल पाऊंगा सर, मेरे नाम का जो है उनको दूध पिला देना। तो भाई इसने टोटल पैसे दिए हैं ये भाई ने और नाम पूछा तो कर रहा सर मैं आपको आप कौन है करके, मतलब मजाक करता है आप कौन है करके, यानी कि करके मतलब उसका कहता है सर मेरा नाम मत लेना, सिर्फ बोल देना एक भाई ने जो है डॉगी के दूध के लिए पैसे दिए हैं। उसका कहना यही है कि सर अगर इनको हम तंग करेंगे तो हम अपना मुँह कहाँ छुपाएंगे, डॉगे तो अपना मुँह छुपा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं दाएं बाएं वो छुपा लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं कि हम अपना मुँह कहाँ छुपाएंगे, अपना कलंक का दोस्तों ये दिए उसने 100 रुपये ये दिए हैं, 100 ये दिए हैं भाई ने, ठीक है 200, ठीक है, और उसने दिए 200 और ये दिए 300, ये दिए 300 रुपये भाई उसने, ठीक है 300 और ये दिए उसने 50, 350 और ये दिए उसने, ओ माई गॉड बच्चा ही है बेरोजगार है भाई, ये देखो 400। मैंने कितनी जान खा दी सर, उसने मेरा जीना आराम कर दिया, वो बच्चे ने मेरे को जीना आराम कर दिया है, बिल्कुल रोने को तैयार हो गया था, कह रहा सर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पिताजी भी आर्मी में है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और पिताजी का भी यही कहना है कि बेटा जिंदगी में कभी भी यार अपने ऐसो आराम के चक्कर में नहीं है, दूसरों के साथ लेके चलना है तभी जिंदगी में मजा है। तो ये टोटल मिला के दे गया 100, 200, 300, 350, 400, 420 रुपये दे गया है भाई, तो उसके नाम का प्लस अपना, ठीक है उसके नाम का और प्लस अपना उसके नाम का दूध आएगा दोस्तों और डॉगी को दिया जाएगा, ठीक है उसके नाम का दूध आएगा पूरा और इस पतीले में पूरा दूध दिया जाएगा पूरा और अपने नाम का दिया जाएगा, जितने बिस्कुट आएंगे और दूध आएंगे जिससे ये पतीला भर जाए और जितना वो आएगा उतना मैं लूंगा दोस्तों। टोटल 480 रुपये वो बच्चा दे गया यार कल का, कह रहा सर मानना आप जो है प्लीज मेहरबानी है आप मेरे में इतना कष्ट करो, मैंने कहा बेटे तुम्हें 50 रुपये देते भाई मेरे मतलब मेरे ऊपर बोझ मत डाल क्योंकि मैं ये चीज़ें कभी करता नहीं हूँ, ना मैं किसी से पैसे लिए हैं ना मेरी मेहरबानी है, मैं ना कभी लूँगा, जब तक करूँगा, जब हाथ खड़ की नौबत आ ही जाएगी तो उसके बाद फिर यार मकान जिंदाबाद भाई मकान बेचेंगे हैं, कौन सा परमानेंट जिंदगी भर यहाँ रहना है, हैं मकान बेचेंगे कोई बात नहीं, बच्चे पूरे सपोर्ट में है कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो 280 रुपये दे के गया यार, उसके नाम का मैं दूध दूंगा भाई, भाई मानना पड़ेगा। कह रहा सर जिस समय आप बोल रहे थे मुझे लगा कि आप गलत हो, लेकिन जब मेरे को पिक्चर पता चला फिर मैंने आपको पहचान लिया, वजन कर तो वही सर है, तब बात करी। उसके बाद बोला सर आप 110% सर 100 में से 200 नंबर आपको, आप जो है ये लीजिए पैसे। और कह रहा आपने इसको गुमनामी के तौर पर दिया है, सिर्फ मैसेज दे रहा है, किसी भाई ने दिया है तो भाई दे दिया है मैंने मैसेज 480 रुपये टना टना 430 रुपये है, 430 रुपये दोस्तों, 430 रुपये भाई के हैं। उस भाई को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, और मतलब उसका मतलब मानता हूँ यार कि कुछ लोग हैं जिसकी वजह से पीछे टिकी हुई है दोस्तों, ठीक है। बुरा करने वाला अच्छी किताब अच्छी सूझ लौट के जाने वाले कम होते हैं, लेकिन क्लियर शब्दों में बता देता हूँ, फेसबुक के अंदर जो नेगेटिव कमेंट करे, क्योंकि मैं देश के सम्मान के लिए बोलता हूँ, देश की इज्जत के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए बोलता हूँ। मैं यहाँ पर कोई नेता और अभिनेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक और सिंपल इंसान हूँ, ठीक है। तो जो भी बोलता हूँ समाज के भलाई के लिए, समाज और परिवारों को अच्छा मैसेज देने के लिए बोलता हूँ, चाहे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ। अगर जिसको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते तो प्लीज क्लब कमेंट भी गलत, मैं सीधा फाइनल डिलीट कर दूंगा उसको। मेरी तरफ से मेरे को चाहने वाला एक ही रहे, मेरा एक चाहने वाला 1,00,000 के बराबर है, उसको सीधे काम का 3 लोगों को मैं डिलीट कर चुका हूँ, क्लियर मैं बता दे रहा हूँ अभी दोस्तों, फेसबुक पर क्लियर बता रहा हूँ। आप सब चुपचाप डिलीट करता होगा, चुपचाप दिक्कत दिया है, जो गलत डिलीट कमेंट करेगा और जिसको मैं सोचूंगा कि यार ये तो मतलब किसी काम का नहीं है, एक्चुअल में इसकी सोच क्या है, क्योंकि मैं सोच की सोच को बहुत अच्छी सोच की तरफ पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, भाई साइड कर देता हूँ, बिंदास कोई चक्कर नहीं है, मैं अपन बोर्ड में लेने नहीं आया इधर तो, ठीक है दोस्तों। 10 बजने वाले हैं तो ये है उस भाई के 480 रुपये 430 रुपये, इसका कल दूध आएगा और पूरा बॉल भर के दिया जाएगा, उसके बाद शाम को फिर मैं अपने घर से जो करना है वो तो करता ही हूँ, ठीक है। शाम को मैं कर दूंगा, सुबह वाला इसका हो जाएगा, शाम से मैं अपना रूटीन में फिर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। और ये सबसे बड़ी गलत है यार, दोनों बॉल को बुरी तरह से पटका और तोड़ दिया है भाई, ठीक है दोस्तों। कभी जिंदगी में ऐसा मत करना मेरे भाई, आप जहाँ भी हो जिस इलाके हो अगर मेरे वीडियो देखो ना, क्लियर डॉगी से प्यार भी नहीं करते हो तो नफरत भी मत करो यार मेरे भाई, ठीक है। साइड से निकल जाओ, कोई प्रॉपर्टी या उनकी लड़ने कोई प्लॉट या फ्लैट आवंटित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो यार वो बेजुआ जानवर है, बेजुआ इसलिए कह रहा हूँ, वो अपने चीज बयान नहीं कर सकते, ना वो रो सकते हैं, ना हंस सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपने पूछ ला के आपको बता देते हैं कि यार मैं आपको पसंद करता हूँ या फलाना दिखाना, बाकी और उनमें कुछ नहीं है, ऐसा मत करना, ठीक है दोस्तों। जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहेगा।